Hello, my dear students. Welcome back in my YouTube channel. This is Dhirendra Singh here. And today, I am going to teach all of you a new grammatical lesson which name is voice. तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के बीच ग्रामर सीरीज में एक न्यू ग्रामेटिकल लेसन लेकर उपस्थित हूं जिसका नाम है वॉयस। डियर स्टूडेंट्स, आप सब किसी को पता है कि इंग्लिश ग्रामर में वॉयस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। Without having the concept and knowledge of voice, we cannot do better in English. चाहे वो राइटिंग की बात हो, ग्रामेटिकल सेक्शन की बात हो या स्पोकन की बात हो। दूसरी बात, इंग्लिश का शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें वॉयस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना रहता हो। चाहे वो बिहार बोर्ड प्लस टू का एग्जाम क्यों ना हो, झारखंड बोर्ड के 10 क्लास के बच्चों के लिए क्यों ना हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वॉयस आपके क्वेश्चन में होता ही होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वॉयस का एक ग्रामेटिकल सीरीज चलेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप शुरू से वॉयस के सारे सीरीज यानी सारे वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि शायद ही कोई ऐसा वॉयस का सेंटेंस होगा जो आप, या क्वेश्चन होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो पहले हम लोग वॉयस को समझते हैं, वॉयस क्या है। लेकिन वॉयस को पढ़ाने के पहले मैं सारे विद्यार्थियों को आगाह कर देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक टाइम टेंस का फुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है तो आगे आप वॉयस को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वॉयस को समझने के लिए सबसे पहले आपको टाइम एंड टेंस की पूरी कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, जिसका सारा वीडियो मैं पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। पहले आप वहां जाएं और टेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, देन यू कैन लर्न और अंडरस्टैंड इट बेटर। वॉयस क्या है पहले आप समझिए। वॉयस मतलब होता है वाच्य। तो इंग्लिश ग्रामर में वॉयस से तात्पर्य क्रिया के रूप यानी फॉर वर्ब फॉर्म से है। आप जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस में वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कहता उसके वर्ब फॉर्म से वॉयस का तात्पर्य है, जिससे पता चलता है कि किसी वाक्य का कर्ता कोई कार्य करता है या कर्ता पर कोई कार्य होता है। मैं बता दूं, अभी तक मैंने आप लोगों को जितनी भी ग्रामेटिकल आइटम्स ट्रांसलेशन से संबंधित पढ़ाया है, चाहे वो टाइम एंड टेंस हो, चाहे वो मॉडल का यूज हो, यूजेज ऑफ एक्जुलरी वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, वो सारे वॉयस से रिलेटेड हैं। लेकिन वॉयस का एक पार्ट है वो एक्टिव वॉयस, बिकॉज यू नो दैट वॉयस हैज टू काइंड्स, फर्स्ट इज एक्टिव एंड सेकेंड इज पैसिव। तो
तो किसी भी वाक्य के वर्ब को देखकर आप पहचान लेते हो ये एक्टिव है या पैसिव है। अगर क्रिया करने वाला कोई करता हो देन इट इज एक्टिव, और यदि क्रिया करने वाला कोई करता नहीं हो, कर्म हो, तो पैसिव। आगे और क्लियर करते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में मारने का काम राम करता है, इससे एक अलग वॉयस का बोध होता है। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे, रावण मारा गया, रावण वाज किल्ड, यहां मारने वाला रावण नहीं है बल्कि क्रिया का फल रावण पर पड़ रहा, यानी यहां किल जो है वो करता है, राम किल करने का काम करता है, लेकिन इस वाक्य में रावण किल करने का काम नहीं करता है बल्कि खुद ही किल होता है। वही है कि किसी वाक्य का कर्ता कोई कार्य करता है या कर्ता पर कोई कार्य होता है। चलिए दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, रेड कलर से मैंने लिखा है, जिस अध्याय के अंतर्गत ट्रांजिटिव वर्ब का अध्ययन या उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, आप YouTube पर बहुत सारे वॉयस के वीडियो देख सकते हैं, लेकिन हर वीडियो में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज टीचर मिस कर जाते हैं। जब भी हम वॉयस की बात करते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब आता है। अब एक न्यू चीज आया कि जहां ट्रांजिटिव वर्ब का अध्ययन किया जाता है, तो पहले आप समझ लें कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। यहां देखिएगा, वर्ब के दो भेद होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इनट्रांजिटिव वर्ब। थोड़ा मैं इसको समझा दूं क्योंकि वॉयस में इसकी बड़ी आवश्यकता होगी। बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर वॉयस चेंजिंग करेंगे किसका, यही पता नहीं होता। आप जान लीजिए, वॉयस रिलेट करता है ट्रांजिटिव वर्ब से, ये इनट्रांजिटिव वर्ब से रिलेट नहीं करता है। यानी हम इस प्रकार कह सकते हैं कि वॉयस चेंज केवल हम ट्रांजिटिव वर्ब का कर सकते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब का नहीं कर सकते हैं। ट्रांजिटिव क्या हुआ? सकर्मक क्रिया। इनट्रांजिटिव क्या हुआ? अकर्मक क्रिया। अब आप कहेंगे कि सर, यह अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या? ध्यान दीजिएगा, मैंने बहुत सारे वाक्य आपको सेंटेंस, अभी हम लोग जब सेंटेंस पर काम कर रहे थे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कंप्लीमेंट, इस पर काफी हम लोगों ने काम किया है। तो ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहा जाता है? ये वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, यानी वैसी क्रिया जिसको अपने अर्थ की पूर्ति के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो। ध्यान रखिएगा, जैसे सी गेव मी अ फ्लावर। अब यहां गौर करेंगे, वर्ब है गेव, लेकिन अगर मैं मी या ये फ्लावर को अगर हटा दूं, अगर केवल रहे सी गेव, उसने दी, तो वाक्य ये पूरा नहीं होता है। जैसे राम आज पीकर आया या राम पीता है, अगर मैं कह दूं कि राम पीता है तो यह वाक्य बड़ा खतरनाक हो जाएगा, लोग इसका गलत मीनिंग आप भी बना लेंगे, क्योंकि राम पीता है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिस वर्ब को अपने अर्थ की पूर्ति के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत हो उसको ट्रांजिटिव कहते हैं। अगर मैं कह दूं कि राम दूध पीता है, अब कोई टेंशन नहीं, लोग समझ गए कि राम दूध पीता है ना। तो सी गेव मी ए फ्लावर,
उसने मुझे एक फूल दी। क्या दी? फूल। किसको दी? मुझे। आप लोगों को थोड़ा सा मैं याद दिलाना चाहूंगा, मैंने कहा था कि किसी भी वर्ब में ऑब्जेक्ट दो होता है, इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहे थे। ऑब्जेक्ट कैसे किसी में पकड़ते हम? अगर किसी भी वाक्य के मुख्य क्रिया में क्या और किसको लगाकर प्रश्न किया जाए, उसका अगर जवाब मिले तो वही ऑब्जेक्ट होता है। तो सी गेव मी ये फ्लावर, और मैंने कहा था कि जब ऑब्जेक्ट मिलेगा तो दो होगा, एक व्यक्तिवाचक एक वस्तुवाचक। तो वस्तुवाचक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है और व्यक्तिवाचक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो सिंपली हमें यह समझना है कि जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो, ट्रांजिटिव वर्ब, और ये वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जो बिना ऑब्जेक्ट के ही अपने वाक्य के अर्थ की पूरी कर देता है, पूर्ति कर देता है। यानी जिस वर्ब को अपने अर्थ की पूर्ति के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं हो, जैसे अगर मैं कहूं सी इज स्लीपिंग, वह सो रही है, ये कंप्लीट वाक्य, हम समझ गए कि वो सो रही है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है। मोहन गोज टू मार्केट, याद रखिएगा गोज, आप लोगों को मैंने बताया था कि मार्केट ऑब्जेक्ट नहीं कंप्लीमेंट है। तो मोहन बाजार जाता है, क्या जाता है, किसको जाता है, यहां जवाब नहीं मिलेगा, इंट्रांजिटिव है। रीता इज वीपिंग, यानी स्लीपिंग गोज और वीपिंग इंट्रांजिटिव वर्ब है। रोट और गेव ट्रांजिटिव वर्ब है ना, बिल्कुल क्लियर हो गया ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रायः पैसिव नहीं बनता है। इसलिए यहां मैंने लिखा है कि पैसिव जिसमें हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब का अध्ययन करते हैं। चलिए थोड़ा और आप आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ वॉयस, वॉयस के भेद आप जानते हैं, एक्टिव वॉयस पैसिव वॉयस, कर्तृवाची कर्मवाची। मीनिंग से ही क्लियर है, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। देखिएगा एक्टिव वॉयस में क्या लिखे हैं, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो, काम करने वाला हो, उसको एक्टिव बोलते हैं। या वर्ब के जिस फॉर्म से पता चलता है कि किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई काम करता है, अर्थात सब्जेक्ट सक्रिय है, एक्टिव है। एक्टिव मतलब सक्रिय और पैसिव का मतलब निष्क्रिय, यानी जिस वाक्य में सब्जेक्ट जिंदा है, एक्टिव है, जिस वाक्य का कर्ता प्रधान है, यानी काम करने वाला कर्ता है, एक्टिव, और जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, यानी वर्ब के जिस फॉर्म से पता चलता है कि किसी वाक्य का सब्जेक्ट पैसिव यानी निष्क्रिय है, यानी जिस वाक्य का सब्जेक्ट एक्शन करने वाला नहीं है बल्कि एक्शन से प्रभावित होने वाला, अर्थात कुछ करता नहीं है बल्कि सब्जेक्ट पर ही कुछ किया जाता है, उसे पैसिव सेंटेंस कहते हैं। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे कि एक्टिव जिस वाक्य में कर्ता काम करने वाला हो, कर्ता सक्रिय हो, कर्तृवाच्य, और पैसिव जिस वाक्य में कर्ता काम करने वाला नहीं हो, यानी कर्म की जिसमें प्रधानता हो। जैसे राम आम खाता है तो खाने का काम राम कर रहा है, यानी क्रिया राम कर रहा है, तो एक्टिव हो गया। लेकिन आम खाया जाता है, इस वाक्य में खाने का काम आम नहीं करता है बल्कि आम को ही खाया जाता है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
तो आपने एक्टिव और पैसिव को समझ लिया। आगे बढ़े, मैं चाहूंगा कि पहले आप इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारी चीज आप कॉपी में लिख लीजिएगा, तब आप वॉयस को बढ़िया से समझ पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वॉयस को समझने का प्रयास किया और आपने समझा कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। यानी वॉयस के दो भेद हैं, एक्टिव वॉयस, पैसिव वॉयस, कर्तृवाच, कर्मवाच। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉयस को शॉर्ट फॉर्म में हम ए भी बोलेंगे और पैसिव को पी भी बोलेंगे। यानी जब मैं ए भी वर्ड बोलूं, समझ जाइएगा मैं एक्टिव वॉयस की बात कर रहा हूं, पी भी बोलूं तो आप समझ जाएंगे मैं पैसिव वॉयस की बात कर रहा हूं। इज दैट बिल्कुल क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, जैसे राम आम खाता है और राम सॉरी आम खाया जाता है, अगर हिंदी की दृष्टिकोण से अगर आप देखें, एक तो आप इस तरह से समझ गए कि कर्ता जो करता है वो एक्टिव होता है और जिसमें कार्य करने वाला कर्ता ना हो बल्कि कर्म की प्रधानता हो तो पैसिव है। एक तो इस तरह से आपने समझा। दूसरी हिंदी आप समझ सकते हैं, अगर वाक्य भर्ब से समाप्त होता है, जाता हूं, खाता हूं, पीता हूं, लेता हूं, देता हूं, तो एक्टिव है, एक्टिव वॉयस है। पैसिव वॉयस की हिंदी में खासियत क्या है, हर भर्ब के साथ जाना क्रिया लगा रहता है। तो हिंदी में एक्टिव और पैसिव पहचानने का भी ट्रिक आप समझ गए कि भर्ब से अगर वाक्य समाप्त हुआ तो एक्टिव हो गया, लेकिन भर्ब के साथ अगर जाना भर्ब लग गया, रावण मारा गया, भर्ब है मारना लेकिन गया लग गया, आम खाया गया, वर्ब है खाना लेकिन गया, क्लियर हो गया? अब चलिए एग्जाम में एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, हाउ टू सॉल्व इट। तो मैंने यहां लिखा ए भी को पी भी में बदलने के नियम। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब मैं आपको रिमूव टू पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि रिमूव टू हो, नरेशन हो, डिग्री हो, वॉयस हो, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जिसमें आप एक वाक्य को दूसरे में बदलते हैं लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब भी हम वॉयस या नरेशन की बात करेंगे प्यारे बच्चों, यू विल हैव टू ऑलवेज कीप इन योर माइंड टू टाइप ऑफ रूल्स। फर्स्ट जनरल रूल्स, सेकेंड स्पेशल रूल्स। अब जनरल रूल क्या होता है, सामान्य नियम जिसका प्रयोग आप सबों में करेंगे। जनरल नियम समझ में आ गया, यानी जिन रूल्स का प्रयोग आप हर जगह करेंगे वो हो गया जनरल सामान्य नियम। स्पेशल रूल विशेष नियम, विशेष यानी विशेष टेंस या सेंटेंस के साथ। तो वॉयस सीखे या नरेशन सीखे, जब हम नरेशन की बात करेंगे तो वह बात करेंगे, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे कि हमें दो प्रकार के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, एक जनरल रूल जिसका प्रयोग हम सारे वाक्यों में करेंगे, दूसरा स्पेशल रूल जब हम लोग टेंस के माध्यम से या सेंटेंस के माध्यम से सीखेंगे तो वहां हर टेंस का अलग रूल होगा, उसी को हम लोग स्पेशल रूल बोलेंगे। तो चलिए अभी हम लोग जनरल रूल की बात कर रहे हैं। जनरल रूल में
आपको चार नियम को ध्यान में रखना पड़ता है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप ध्यान से बात करें। रूल नंबर वन, रूल क्या है? ए भी के सब्जेक्ट को पी भी में ऑब्जेक्ट तथा ए भी के ऑब्जेक्ट को पी भी में सब्जेक्ट बदल देते हैं। गौर कीजिएगा, यानी जब आप एक्टिव से पैसे बनाएंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत पहले मैंने एक चीज बताया था जनरली कि वाक्य के फर्स्ट में सब्जेक्ट होता है और वाक्य के लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट के बारे में आप जान रखिए, याद रखिएगा कि वर्ब के पहले जो आया वो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो आया वो ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए जाए एक्टिव सेंटेंस हम देख रहे हैं, ही मान लीजिए कोई भी वर्ब यहां है, मी है ना, मान लिया जाए ही लव्स मी। ध्यान रहे, पैसे में जब आप उसे चेंज करोगे तो नियम क्या कहता है, एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ये क्लियर हुआ? यानी यहां जो है उसको यहां ले आएंगे और यहां जो है उसको यहां ले आएंगे। इज दैट क्लियर? बट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय ध्यान दीजिएगा, जब मैंने आपको प्रोनाउन के फैमिली की बात किया था तो मैंने सात प्रकार के प्रोनाउन, मैंने कहा था कि वाक्य का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो जनरली प्रोनाउन में हम लोग सात प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं और प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक और कर्म कारक होता है। तो एक्टिव वॉयस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉयस में ऑब्जेक्ट बनाते समय सब्जेक्ट रूप और ऑब्जेक्ट रूप पर भी ध्यान देना है। यानी आपको पता है कि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है और आपको पता है कि सात में दो का कोई ऑब्जेक्टिव रूप नहीं होता है। यानी आई रहे तो मी हो जाएगा, मी रहे तो आई हो जाएगा, वी रहे तो अस हो जाएगा, अस रहे तो, क्योंकि आपको मैंने समझाया था कि बड़ा भाई कभी भी छोटे भाई के जगह पर नहीं जाएगा और छोटा भाई कभी भी बड़े भाई के जगह पर नहीं आएगा। जिन जिन विद्यार्थियों ने प्रोनाउन के वीडियो को नहीं देखा है प्लीज आप YouTube पर जाकर प्रोनाउन फैमिली को देखेंगे, बड़ी बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया है, तब आप समझ पाओगे। तो ही को हमने यहां हिम बना दिया, मी को हमने आई बना दिया। लेकिन अगर वाक्य का सब्जेक्ट कोई नाउन है, मान लिया जाए यहां राम है और यहां सीता है और उसको जब हम पैसे बना रहे हैं तो सीता जब सब्जेक्ट के जगह पर आएगी तो सीता ही रहेगी और राम जब ऑब्जेक्ट के जगह पर जाएगा तो राम ही होगा। पहला नियम क्लियर हुआ या नहीं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। यानी वर्ब के पहले वाले को पैसिव में आप वर्ब के बाद ले जाइए और बाद वाले को आप वर्ब के पहले ले आइए। कहीं कोई दिक्कत? इसको आप बिल्कुल अगर याद नहीं किया है याद कर लेंगे। इसलिए आप देखोगे सातों का सात में पांच सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप होता है, यू और इट का सेम होता है,
दूसरी बात मैंने लिखा है अगर राम और सीता अगर सब्जेक्ट रहे तो उसका ऑब्जेक्ट भी राम और सीता ही होगा, यानी नाउन का कोई ऑब्जेक्टिव रूप नहीं होता है। नेक्स्ट दूसरा नियम, पीवी में हमेशा सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये कौन सी बड़ी बात है, सब्जेक्ट के बाद तो हेल्पिंग वर्ब आता ही है। लेकिन प्यारे बच्चों आपको याद होगा मैंने कहा था कि पूरी अंग्रेजी भाषा में दो ऐसे टेंस है जिसके एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। जैसे ही गेव मी मनी और राम ड्रिंक्स मिल्क, आप इन दोनों वाक्यों में अगर देखोगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए नियम बना है कि इस प्रकार के वाक्य का भी जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में सब्जेक्ट के बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। अगर ऑलरेडी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है तब तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो लगेगा। यानी ये नियम रूल नंबर 2 केवल सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए बना है, यानी दो टेंस के लिए बना है। रूल नंबर 3, एबी में वर्ब चाहे किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो। आपको पता है कि वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, और टेंस में टेंस के अनुसार अलग अलग वर्ब के फॉर्म का उपयोग किया जाता, अलग अलग वर्ब का फॉर्म यूज किया जाता है। लेकिन पैसिव की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि पैसिव वाक्य में केवल और केवल वर्ब का तीसरा रूप का ही प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा तीसरा रूल भी कि एक्टिव में चाहे V1 रहे, V2 रहे, V3 रहे, V4 रहे, V5 रहे, जब उसको हम पैसिव बनाते हैं तो सारे वर्ब फॉर्म को V3 में बदल देते हैं, यानी पैसिव में केवल और केवल V3 होता है। यह भी पैसिव सेंटेंस की एक बड़ी विशेष खासियत है। नाउ कम टू द रूल नंबर 4, पीवी में ऑब्जेक्ट के पहले प्रायः बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एक नई चीज, हर वाक्य में पैसिव में एक नया वर्ड जोड़ना है बाय के रूप में। यानी अगर एक्टिव सेंटेंस ऐसा है और पैसिव सेंटेंस अगर ये है तो नियम कहता है क्या कि पैसिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट जब आप बैठाने लगेंगे, और पैसिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा, तो उसको बैठाने के पहले आप बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों मुझे लगता है कि अब आप लोग अच्छी तरह से पैसिव सेंटेंस के कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन क्लास को समझने का प्रयास किया होगा और मैंने भी समझाने का प्रयास किया है। अब अगली वीडियो से हम लोग एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए स्पेशल रूल्स पर काम करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट बढ़िया से आप इसका ले लें और कॉपी में आप बढ़िया से उतार लीजिएगा। मोटा मोटी अभी आप लोगों ने एक्टिव से पैसिव बदलने के वो 4 नियम ही देखा, इसको आप उंगलियों पर याद रखिए। पहला नियम, एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। दूसरा नियम, हेल्पिंग वर्ब। तीसरा नियम, वर्ब का भीतरी यूज कर देंगे। चौथा नियम, पैसिव में ऑब्जेक्ट के पहले बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू। प्यारे बच्चों मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि मैं डिटेल से आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं ताकि आज ही नहीं आने वाले किसी भी समय में वॉयस से रिलेटेड आपको कोई समस्या
का समाधान नहीं हो। यूट्यूब चैनल पर मैं केवल फॉर्मेलिटी नहीं निभाता हूँ, मैं बिल्कुल सिखाने का प्रयास करता हूँ। यही कारण है कि मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता है। थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं पैसिव वॉयस के नेक्स्ट वीडियो में।